साथी ये देख तो स्लो चल रहा है और दूसरा सिम पे बंद हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये प्रॉब्लम, ये दोनों में प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम है। अभी दूसरा बर्नल चेक कर लेते हैं, इसकी जो लो है ये तो ठीक है, लेकिन इसको भी हम जब सिम करते हैं तो ये भी कुछ इस तरह से बंद हो जाता है। तो मतलब दोनों बर्नल में प्रॉब्लम है। हम दोनों बर्नल को सही करने के लिए सबसे पहले ये जालियां उतार लेंगे और इसको इसे सीधा करेंगे। इसको सीधा करने के बाद हम नीचे जो सिलेंडर लगा हुआ है, जहाँ पे रेगुलेटर लगा है, तो रेगुलेटर से पहले हमने रेगुलेटर को ऑफ कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमने इसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक छोटा पेचकस होना चाहिए और पेचकस के साथ हमारे पास एक 10 नंबर की ग्रीस होनी चाहिए। ऐसे कुछ एक पेचकस होना चाहिए हमारे पास। एक पेचकस को लेके हमने यहाँ से बटन को ऑन करना है। ऑन करके यहाँ पे एक आप देख सकते हो नट होता है, यहाँ पे कुछ कोक के पास में यहाँ नट होता है एक छोटा सा, तो वो नट को आपने पेचकस से खोल लेना है। कुछ इस तरीके से आपको ये पेचकस से खोल लेना है। आपको हम खोल के दिखा रहे हैं इसको। बड़े प्यार से इसको खोल लेना है। जैसे ये देख सकते हो आप, ये नट लगा होता है ये कोक के नीचे यहाँ पे। अगर आपका भी चूल्हा ऐसे सिम करने पे बंद होता है तो ये आप बटन के नीचे देख सकते हो, कोक के पास ऐसे नट लगा होता है। बटन को आपने ऐसे होता है, बटन को ऐसे ऑन करना है। ऑन करते ही आपके पास ये सामने नट आ जाएगा। उसके बाद ये नट खोलने के बाद आपने इसको चूल्हे को सीधा करके ऐसे रख लेना है। फिर इसके अंदर एक जो स्प्रिंग होता है वो निकाल लेना है। स्प्रिंग निकालने के बाद आपके ये कोक के अंदर एक निप्पल होती है, ऐसे इसको निकाल लेना है। पहले रेगुलेटर को बंद कर लेना है, फिर इसको निकालना है, नहीं तो यहाँ से गैस निकलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कपड़ा, छोटा सा कपड़ा चाहिए। तो हमने इसको निकालने के बाद या तो पतला सूती कपड़ा ले लेना है, नहीं तो ऐसे अभी जो कागज़ के लिफाफे चले हैं इसको लेके हमने जो ये कोक है इसको अंदर से ऐसे गोल घुमा के इसको हमने साफ़ कर लेना है। ये कचरा निकल जाएगा। इसका निकालने के बाद दोबारा से फिर इसको घुमा के देखना है कि इसके अंदर कचरा तो नहीं है। फिर दोबारा घुमा के ये अभी साफ़ है। उसके बाद हमने रेगुलेटर से 2-3 बार ऑन ऑफ करना है। ऑन ऑफ करने का क्या फ़ायदा है कि यहाँ से गैस निकलेगी, जो भी कचरा इसके अंदर होगा वो गैस की राही हवा से प्रेशर से बाहर आ जाएगा। कुछ ऐसे हमने कर लेना है इसको साफ करके। फिर उसके बाद हमने इसको साफ करना है, इसको ऐसे साफ कर लेना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे पास में करना। अभी इसमें क्या है, इसके अंदर ऐसे लगता है, ये ऐसे लगता है, ठीक है। पहले इसमें स्प्रिंग लगता है, ऐसे स्प्रिंग लगने के बाद ये ऐसे लगता है, फिर इसके अंदर ऐसे लगता है। तो अभी इसको हमने क्या करना है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा होल है और एक ये बड़ा होल है। तो हमने ये छोटे होल को क्या करना है, इसको कपड़े को लेना है, इसको लेके हमने एक पिन लेनी है, छोटी सी पिन होती है, कोई भी पिन हो सकती है आपके पास। आपने ऐसे पिन लेनी है और ये कपड़े को ये छोटे होल के पास से ऐसे इसके अंदर कर देना है। इसको करने का फ़ायदा ये है कि जो हम छोटे होल को साफ़ करेंगे, जब छोटे होल को साफ़ करेंगे तो ये कपड़ा अंदर है, तो जब हम ये जो छोटी पिन होती है, ये जो छोटी पिन है इसको इसके अंदर करेंगे तो ये जो कचरा होगा वो कपड़े में नीचे लग जाएगा, ना कि ऊपर वापस आएगा। तो हमने इसको साफ़ कर लिया है। दोबारा से इसको दिखा देते हैं आपको करके। ऐसे कपड़ा लेना है और ये एक छोटा होल है, ये एक बड़ा होल है। ये छोटे होल में आपने ऐसे कपड़े को डालना है, ऐसे डाल के कुछ इस तरह से डाल के इसको गोल राउंड करना है। गोल राउंड करके ऐसे एक पिन लेनी है, कोई भी पिन, मोटरसाइकिल की ये जो क्लच की तार होती है वो है, तो आपने इसको इसके छोटे होल के अंदर ऐसे गोल घुमा देनी है और ये अंदर से साफ़ हो जाएगा। साफ़ होने के बाद आपने एक 10 नंबर की ऐसे ग्रीस आती है, किसी भी आपको स्टोव वाले में दुकान पे मिल जाएगी, तो आपने थोड़ी सी ऐसे ग्रीस लेके इस पे लगा देनी है। अगर ग्रीस नहीं लगाओगे तो ये बटन घूमेगा नहीं, जाम हो जाएगा, तो इसलिए ये ही ग्रीस लगानी है, दूसरी ग्रीस नहीं लगानी है, ना ही इसमें कोई तेल वगैरह लगाना है। अगर और कुछ लगाओगे तो ये जाम हो जाएगा, ये बटन घूमेगा नहीं, ठीक है। तो आपने इसको लगा के फिर से इसके अंदर वापस ऐसे डाल देना है। फिर आपने स्प्रिंग डाल देना है। फिर जो बटन हमने निकाली थी वो बटन आपने देख लेनी है, लूज तो नहीं है, थोड़ी बहुत लूज है। तो आपने ये पेचकस की सहायता से इसको टाइट कर देना है। जब इसको टाइट करोगे तो ये जो बटन लूज है ये घूमेगी नहीं।
ठीक है। ऐसे अभी ये देख सकते हो ये टाइट हो गई है, अभी ये घूम नहीं रही है, तो हमने दोबारा से इसको ऐसे लगा के इसको वापस से ऐसे जो नट निकाला था हमने ये इसको हमने यहाँ पे वापस लगा देना है। और नट को लगाना ज़्यादा अंदर भी कस के नहीं लगाना है और ज़्यादा लूज भी नहीं लगाना है, कोक जो होता है उसके बराबर में लगाना है। अगर आप ज़्यादा कस दोगे तो बटन निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बटन को भी लगा देते हैं, अभी हमने इस बटन को लगा दिया है। आप देख सकते हो जो इसमें प्ले था वो प्ले भी घट गया और बटन भी सही हो गया, ठीक है। तो अभी इसका भी हमने ऐसे ही करना है, अभी इसको हम चला के दिखा देते हैं आपको ये कैसे हुआ है। अभी ये देख सकते हो आप जो अभी तेज भी करने वाला है, लेकिन जो सिम पे बंद हो रहा था वो अभी सही हो चुका है। अभी हम इसको तेज करेंगे, तो तेज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने यहाँ से इसको बर्नल को खोल लेना है, इसको कुछ इस तरह से आपने खोलना है प्लास की सहायता से। उसके बाद हमने इसके नीचे एक ये निप्पल लगी हुई है, इसको जो कोक के अंदर लगी होती है इसको खोल लेना है। इसको खोल के यहाँ से बटन को ऑन ऑफ करना है 2-3 बार, यहाँ से गैस निकल जाएगी और कचरा निकल जाएगा। और फिर उसके बाद जो ये निप्पल है इसको हमने अंदर से ऐसे कोई पिन वगैरह से या सुई वगैरह से इसको गोल घुमा के इसको साफ़ कर लेना है। अभी देख सकते हो ये साफ़ हो चुकी है, तो हमने इसको वापस लगा देना है, यहाँ पे जैसे खोला था वैसे लगाना है और लूज नहीं कसना है इसको, ना ज़्यादा टाइट कसना है। अगर लूज कर दोगे तो यहाँ से कोक के पास से लीक होगा और ज़्यादा टाइट करोगे तो ये टूट जाएगी, ठीक है। तो आपने इसको वापस ऐसे लगा देना है। अभी देख सकते हो इसको हमने लगा दिया और यहाँ को पूरा टाइट कर देना है प्लास से। अभी हम इसको चला के दिखा देते हैं आपको। ये देख सकते हो यहाँ से तेज हो चुका है, इतना तेज हो चुका है ये, आप देख सकते हो। पहले जो स्लो चल रहा था और सिम करने पे, आप पीछे करके दिखाना है इसको, ऐसे हम सिम करते थे तो ये बंद होता था और तेज करने पे तेज नहीं चल रहा था, स्लो भी चल रहा था और सिम पे बंद हो रहा था। तो अब ये देख सकते हो ये साफ साफ हो चुका है और ये सही हो चुका है। अभी इसी तरह हम इसको भी सही करेंगे। जो ये चूल्हा है कुछ इस तरह से ये करता है, ये देख सकते हो आप, ये तेज तो है लेकिन ये क्या है, सिम करने पे ये बंद होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको भी सही करके दिखाएंगे आपको। पहले सबसे पहले आपने वही प्रक्रिया करनी है, पहले नीचे सिलेंडर से ऑफ कर देना है, बंद कर देना है सिलेंडर से। फिर उसके बाद पेचकस की सहायता से आपने ये बटन ऑन करके, बटन ऑन करोगे तो यहाँ पे एक नट आ जाएगा, उस नट को आपने खोल लेना है। ये नट खोल लिया हमने, अभी इसको फिर से सीधा रखेंगे। तो ये नट निकाल के ये बटन निकाल लेना है, बटन निकाल के इसके अंदर ये जो स्प्रिंग पड़ा हुआ है ये निकाल लेना है। फिर उसके अंदर से ये हमने निप्पल निकाल लेनी है, निप्पल निकाल के जो ये कचरा लगा हुआ है इसको हमने ऐसे साफ कर देना है। ये देखो इसमें कचरा कितना लगा हुआ है, इसलिए ये जाम हो जाता है। तो आप इस कचरे को भी साफ कर सकते हो, कचरे को साफ करके आपने चूल्हे को भी सही कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको भी निकाल दिया, अभी हम इसको साफ़ करेंगे। इसको साफ वैसे ही करना है, कोई सूती कपड़ा या कोई ऐसे जो नया लिफाफा चला है अभी कागज़ का, पोलोथीन है इसको बोलते हैं, तो इसको हमने अभी साफ़ कर लेना है। साफ़ करके अच्छे से साफ़ कर लेना है, अगर सही से साफ़ नहीं करोगे तो फिर से कचरा फंस जाएगा, फिर से ये बंद होने लगेगा, ठीक है। तो आपने इसको बिल्कुल आराम से साफ़ करना है, ज़्यादा जल्दी जल्दी में नहीं करना है,
ये जो हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी में करके दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सही हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको दोबारा से पतला कपड़ा करना है, फिर ये हमने जो छोटा होल है इधर करना है, ये जो बड़ा होल है इधर नहीं डालना है, इधर से हम पेचकस से साफ़ कर सकते हैं। इधर जो छोटा होल है इसके अंदर हमने कपड़े को ऐसे करके अंदर कर देना है, अंदर करके हमने इसको गोल राउंड देना है, गोल घुमा के फिर से हमने एक ये पिन लेनी है पतली। ये जो पिन है ये आपको क्लच की जो तार होती है उसमें मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको ये छोटे होल में ऐसे अंदर घुमा देना है, इसको अंदर घुमा के फिर से ये कपड़ा निकाल के, ये देखो आप कचरा निकल चुका है इसमें, फिर से हमने कोई पतला ऐसे कपड़ा करना है, फिर इसके अंदर ऐसे डालना है ताकि ये जो कचरा है इसके अंदर बिल्कुल सही तरीके से निकल जाए, दोबारा इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो हमने फिर से इसको गोल राउंड करना है, इसको गोल राउंड करके फिर से हमने इसको साफ़ करना है। अभी ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो चुका है, तो हमने क्या करना है, जो हमने बताया था कि 10 नंबर की ग्रीस इसमें लगती है, अगर ग्रीस नहीं लगाओगे साफ़ कर दोगे तो ये जाम हो जाएगा, फिर से बटन चलेगा नहीं। तो आपने इसको फिर से यहाँ पे ग्रीस लगाना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाओगे तो ये जो होल हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर से आपका चलेगा नहीं। ठीक है, तो हमने ये ग्रीस लगा दी है, और ग्रीस लगाने से पहले जो हमने पहले ये कोक साफ़ किया था वैसे ही कुछ इसको कोक को साफ़ करना, हमने जो कोक है इसकी जो होल है इसको हमने जैसे पहले साफ़ किया था वैसे इसको पहले साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने उसमें ग्रीस लगा दिया, इसको साफ़ नहीं किया तो ये फिर से ख़राब करेगा, फिर से बंद होगा। तो हमने इसको जैसे साफ़ करके इसको फिर से ऑन ऑफ़ करना है, रेगुलेटर से ऑन ऑफ़ करके यहाँ से गैस निकालनी है, जो इसके अंदर कचरा होगा वो इसके अंदर से निकल जाएगा। फिर हमने दोबारा से जो निप्पल है वो ग्रीस लगी हुई वो हमने इसके अंदर ऐसे डाल देनी है, डाल के फिर हमने एक जो स्प्रिंग निकाला था वो साफ़ करके इसके अंदर वापस से डाल देना है। फिर हमने बटन देखना है, ये लूज तो नहीं है, अभी ये लूज नहीं है, तो हमने इसको वापस से ऐसे लगा देना है। फिर जो नट निकाला था हमने छोटा सा, ये जो नट निकाला था वो हमने यहाँ पे लगा देना है पेचकस की सहायता से। तो आपको हम लगा के दिखा देते हैं, इस तरीके से इसको लगा देना है। फिर इसको अभी हम चला के दिखाते हैं, अभी देख सकते हो आप ये दोनों चूल्हे जो सर्विस कर दी है मैंने, सर्विस करने के बाद जो सिम पे बंद हो रहा था वो भी सही कर दिया, और ये जो स्लो चल रहा था वो भी सही कर दिया। तो हम आपको अभी चेक करके दिखा देते हैं, अभी नीचे से ऑन करने वाला है, नीचे से ऑन करके थोड़ा पीछे करना। अभी आप देख सकते हो ये दोनों जो वर्नल है दोनों की जो लो है जो लाइट है दोनों की बराबर लाइट है, और दोनों हम सिम करते हैं तो अभी सिम पे ये बंद नहीं हो रहे हैं। पहले क्या था, पहले ये स्लो चल रहा था और सिम पे बंद हो रहा था, और ये सही था लेकिन ये सिम पे ये भी बंद हो रहा था। तो अभी क्या है, अभी ये दोनों की जो लाइट है वो भी सही हो गई है, और ये जो सिम पे बंद हो रहे थे वो भी सही हो गए हैं, और जो बटन थे जो टाइट थे वो भी सही हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हो, बने रहे हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। धन्यवाद।